बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 20.7 क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं हम। ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देन फिर हमारे पास ये यूनिट एंड हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 21 प्लस यूनिट नंबर, मैं आपको यूनिट नंबर 21 के साथ साथ स्टार्ट करवाऊँगी यूनिट नंबर 30। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब हम पीछे से जो है वो रिवर्स में चलेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम आगे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। अब इंशाल्लाह आपको साथ साथ दो यूनिट की जो है वो वीडियोस मिला करेंगी, तो मेरी कोशिश है जल्द से जल्द आपका सिलेबस जो है वो मुकम्मल करवाया जाए। बहुत बहुत स्लो हो गया था, बट अब इंशाल्लाह आपको डेली बेसिस पे अपने यूनिट्स की वीडियोस मिला करेंगी। स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 5। जो डिफरेंस है आपके पास दो नंबर्स का वो 5 है। एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज़, और उनके स्क्वायर का डिफरेंस वो 275 के इक्वल है। फाइंड द नंबर्स, अब आपने नंबर्स को करना है फाइंड आउट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर्स, लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर्स। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस एक्स माइनस वाई बराबर है 5 के। ठीक है, ये इक्वल है 5 के, इस इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। और आपसे कह रहे हैं एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, और उनके स्क्वायर का डिफरेंस वो इक्वल है 275 के, इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। फाइंड द नंबर्स, अब आपने नंबर्स को करना है फाइंड, तो आप क्या करें, किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकालें और दूसरे में पुट कर दें, तो यहाँ से स्क्वायर है इसलिए नहीं करते, यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इक्वल आ जाएगा आपके पास x माइनस वाई इक्वल है 5 के, तो ये माइनस का y उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का y। ठीक, आप पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, और द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, ये सब्सटीट्यूशन मेथड कहलाता है। आपके पास की एक्स वैल्यू आपने फाइंड करके दूसरे में पुट की है, तो यहाँ से वाई एक्स की जगह आ गया 5 प्लस वाई, इसका स्क्वायर किया माइनस का वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल है 275 के। स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्लस बी के, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 5, फिर वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 275 के। 5 5 ज़ा 25, 2 5 ज़ा 10 वाई, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 275। प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग बचा 10 वाई, ये प्लस का 25 है, वहाँ जाके माइनस का 25 हो जाएगा, तो 10y इज इक्वल्स टू 250। 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वाई के साथ, उस तरफ जाके करेगा डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, वाई आ गया है आपके पास 25। अब ये तो आ गई आपके पास y की वैल्यू, नाउ और द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेजन 3, इनके इक्वेजन 3 में पुट कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, इक्वेजन 3 है आपके पास, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस y, पुट y इज इक्वल्स टू 25, 5 प्लस वाई है 25, तो x आ जाएगा आपके पास यहाँ से 30। ठीक, ये आ गया आपके पास सिंपल आंसर, द वैल्यू ऑफ x एंड y आर 30 एंड 25। तो ये दोनों x और y की वैल्यूज़ आपके पास आ गई। ये था आपके पास एक्सरसाइज
20.7 का क्वेश्चन नंबर 15। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई यूनिट आपकी जो है रिक्वेस्ट पे समझाया जाए, वो शुरू किया जाए, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आप जिस यूनिट की ज़्यादा रिक्वेस्ट होगी उसको पहले स्टार्ट कर लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।